हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 12.2 का इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, इसमें त्रिज्या से जो रिलेटेड जो एरिया आती है, बच्चों जो एंगल थीटा है और इसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा। पहले इस रीजन को बोलते हैं क्या बच्चों, इस बोल को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे माइनर सेक्टर और हिंदी में बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड जो बच गया पार्ट, जो कलर नहीं है, उस वाले को बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? मेजर सेक्टर और हिंदी में बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हिंदी में बोलेंगे लघु त्रिज खंड या और सिंपल त्रिज खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला याद रखें, थीटा जो गिवन रहेगा बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये रेडियस गिवन रहेगा क्वेश्चन में आर स्क्वायर, तो थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई का रिजल्ट जो होता है बच्चों 22/7 और आर क्या है? त्रिज्या है। दूसरा बच गया यहाँ पे मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर के लिए थीटा है, तो जो बचा हुआ जो एंगल है बच्चों क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 का होता है, तो 360 में से थीटा क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा मेजर सेक्टर का आएगा। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो फार्मूला इसके अंदर है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसमें थीटा कितना लेंगे बच्चों? 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें फार्मूला है, सेंटर से पासन होकर, इसको बोलेंगे अगर कोई कोट से जो रिलेटेड जो एरिया बन रहा है इसको बोलते हैं बच्चों, छोटा वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? माइनर सेगमेंट और हिंदी में बोलेंगे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे बच्चों? लघु वृत्त खंड या और सिंपल क्या बोल सकते हैं? वृत्त खंड। क्या बोल सकते हैं? वृत्त खंड। यहाँ सेंटर से क्या बनाएंगे? कुछ एंगल बनेगा, जो एंगल का नाम रखते हैं थीटा और रेडियस क्या मानते हैं? आर। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या लेंगे? वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, तो बड़ा फार्मूला है इसका थोड़ा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। ये जो एरिया निकलेगा बच्चों, जो माइनर जो एरिया जो कलर का रखा है उसी का क्या आएगा? एरिया निकलेगा। अगर मेजर का पूछ देगा पेपर में तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर
सेगमेंट, जिसका इसका फार्मूला था बच्चों एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, इसका फार्मूला पढ़े थे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई टू इंटू साइन थीटा है। हिंदी में लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला था बच्चों पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सॉरी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई टू इंटू साइन थीटा। इसके अंदर जो पांचवा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं संगत चाप की लंबाई, जैसे मान लो थीटा है जो एंगल थीटा बन रहा है और ये लेंथ पूछेगा, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ लेंथ, क्या बच्चे बोलते हैं आर्क ऑफ लेंथ ए से बी के बीच, हिंदी में बोलते हैं संगत चाप की लंबाई। लिखेंगे इसका फॉर्मूला आर्क ऑफ लेंथ, इसको बोलते हैं संगत चाप की लंबाई, क्या बोलते हैं बच्चों संगत चाप की लंबाई, फॉर्मूला होता है बच्चों इसको थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू टू पाई आर, जहाँ पे आर क्या होता है रेडियस होता है और पाई क्या होता है 22 अपॉन 7। सिक्स जो फॉर्मूला होगा बच्चों ब्रीथ का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते एरिया ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता बच्चों पाई आर स्क्वायर। सेवन जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है ब्रीथ की परिधि, जिसका फार्मूला होता है टू पाई आर, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल। और एट का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ साइड का स्क्वायर, हिंदी में बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या बच्चे बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। जो नाइन्थ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट अंडर 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, हिंदी में बोले बच्चों इसको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला था रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। टेंथ जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इंग्लिश बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। 11th जो फॉर्मूला बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और इस 12th में इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या बोलेंगे बच्चों एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और 12th में फॉर्मूला है अर्धवृत्त का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल,
सेमी सर्कल। 13 नंबर पे जो फॉर्मूला बच्चों, जो डायमीटर होता है, डायमीटर वो डबल होता है रेडियस का, ध्यान रखें। इंग्लिश में बोलेंगे जो व्यास होता है वो डबल होता है त्रिज्या का। अगर यहाँ से त्रिज्या फाइंड करना हो बच्चों, तो त्रिज्या का फॉर्मूला लिख सकते हैं व्यास अपॉन 2 होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। थैंक यू।